जिले में तीन ट्रेनों की आपसी टक्कर के बाद हुए भीषण रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया और फिर अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश की संवेदना इस वक्त उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपनों को खोया है। बता दें कि रेल दुर्घटना स्थल का निरीक्षण पीएम मोदी ने किया, साथ ही उन्होंने राहत और परिचालन बहाली कार्यों का भी जायजा लिया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। इसके बाद पीएम मोदी ने बालासोर के फकीर मोहन अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही पीड़ितों की हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने कहा, शब्द मेरे गहरे दुख को कैद नहीं कर सकते। हम प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक बेहद गंभीर घटना है। हर एंगल से जांच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने बचाव बलों की सुरक्षा अभियानों और सामान्य स्थिति लाने के लिए अथक परिश्रम करने के प्रयासों की सराहना करते हुए ट्वीट कर लिखा, मैं रेलवे, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ, स्थानीय अधिकारियों, पुलिस, अग्निशमन सेवा, स्वयं सेवकों और अन्य लोगों की टीमों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति की सराहना करता हूं जो बिना थके जमीन पर काम कर रहे हैं और बचाव कार्यों को मजबूत कर रहे हैं। उनके समर्पण पर गर्व है। वही घटना के बाद बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ कतार में लगी नजर आई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी ने बचाव अभियान में मदद करने वाले लोगों के प्रयासों की सराहना करते हुए लिखा, विपरीत परिस्थितियों में हमारे देश के लोगों द्वारा दिखाया गया साहस और करुणा वास्तव में प्रेरणादायक है। जैसे ही ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना हुई, लोग बचाव कार्यों में मदद करने में जुट गए। कई लोग रक्तदान करने के लिए कतार में खड़े हुए हैं। गौरतलब है कि बहानगा बाजार में दुर्घटना स्थल पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने ट्रेन हादसे पर नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बता दें कि दुर्घटना में अभी तक कम से कम 288 लोगों की मौत हो चुकी है और 1100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम जारी है और पलटी हुई बोगियों को हटाया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी किसी भी लेटेस्ट अपडेट से आप कहीं चूक न जाएं।